गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कसौल। और अभी जस्ट मैं उठा हूँ, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9। हम लोग तकरीबन 8 बजे उठ गए थे। मेरे जो फ्रेंड है मेरे साथ, वो एक नहा रहे हैं अभी और एक ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। एंड में मैं नहाऊंगा। मैंने जस्ट अभी चाय ऑर्डर करी है, तो चाय पीने के बाद मैं रेडी होऊंगा और नहा धो के फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे तकरीबन 10:30 बजे तक। तो जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। सेकेंड, ठंड बहुत है यार बाहर यहाँ पे। तो रेडी होते हैं, रेडी होने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। और तो गाइस, हम लोग फाइनली रेडी हो चुके हैं और टाइम अभी हो रहा है 10:15। तो अब यहाँ से निकलते हैं। हमने सारा सामान पैक कर लिया है, मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं सारा। बाकी अब निकलते हैं यहाँ से, और यहाँ से निकल के अब हम आगे खीर गंगा का जो ट्रैक है उसके लिए जा रहे हैं। हम लोग जैसे ही होटल से बाहर आए, गाड़ी में सामान रखने, हमने सारा सामान रख दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को 3-4 बहुत अच्छे अच्छे आपस में दोस्त हैं ये सब। देखो कैसे सोए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। हेलो ओए मोती, हेलो मोती, हेलो मोती, हेलो मोती, हेलो मोती। देखो कैसे सोए हुए हैं, सारे धूप सेक रहे हैं। तो हम लोग थोड़ी सी मार्केट से आगे गाड़ी खड़ी करके आए हैं। ब्रेकफास्ट करना है अभी हम लोगों ने, उसके बाद आगे के लिए निकलेंगे। तो अभी यही मार्केट में देखते हैं कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ये है कुछ मार्केट। ये मेन चौराहा है यहाँ का। तो यहाँ पे बस सर्विस भी अवेलेबल है, कोई बस से आना चाहता है तो इजीली यहाँ से भुंतर के लिए बसें चलती हैं। वो देखो पहाड़ बर्फ़ वाले। हाँ चलो चलें। तो यार हम लोग जैसे ही कसौल से निकले, यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके ही काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है। 15-20 मिनट हमें खड़े हुए हो चुके हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो और टाइम अभी 11:45, पता नहीं कितने बजे तक पहुंचेंगे हम लोग। तो अभी हम परछैनी जा रहे हैं और वहाँ से आगे का देखते हैं क्या सीन है। देखो जाम आगे यार। हम लोग कसौल से जब चले तो परछैनी के लिए ऊपर की तरफ जो रोड कटता है उस रोड पे भी हम चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है, टोटली ऑफ रोड है, मतलब पक्की सड़क है ही नहीं, बिल्कुल भी ख़त्म है, बिल्कुल पक्की सड़क है यहाँ पे। तो अगर आप गाड़ी लेके आ रहे हो, कोई भी गाड़ी लेके आ रहे हो, तो बहुत आराम से चलना, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी नीचे से लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बस गाड़ी को स्लो चलाओ ताकि आपकी गाड़ी जो है डाउन से जो है टच ना हो। अगर नीचे से गाड़ी लगती है तो फिर कुछ कोई भी चीज़ डैमेज हो सकती है और आपकी गाड़ी वहीं खड़ी हो सकती है। तो इस वजह से रोड एक बार देख लो और बिल्कुल आराम से चलाओ। ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं, 3 किलोमीटर रह गए हैं यहाँ से बरछैनी डैम के पास जाना है हमने। तो आप जब भी बरछैनी आ रहे हो तो आपकी गाड़ी प्रॉपर जहाँ वो डैम है वहाँ पे गाड़ी लगेगी आपकी। तो मैं वहाँ भी दिखाऊंगा जब हम लोग पहुँचेंगे। तो ये जो जगह है यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार कर दी है। अब यहाँ से आगे हम लोग पैदल ही जाएंगे। ये ट्रैक जो है तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का ट्रैक है। और मैंने अपने साथ एक मेरा जो स्लीपिंग बैग है वो रख लिया है, क्योंकि ऊपर जाके रेंट मतलब टेंट्स वगैरह मिल जाएंगे, बट मैं स्लीपिंग बैग किसी के यूज़ करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो स्लीपिंग बैग है वही मैं यूज़ करूँ, प्लस जो मेरा बैग है पीछे ये देख सकते हो आप। तो अब यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होने वाला है और ये डैम देख लो एक बार, जब भी आप आओ तो इस जगह से ट्रैक स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आप गाड़ी खड़ी कर सकते हो। चलो फिर अब यहाँ से निकलते मतलब 4 आवर्स लगेंगे तकरीबन ट्रैक करने कंप्लीट करने में। तो चलते हैं अब यहाँ से। यार हम लोगों ने चलना स्टार्ट कर दिया है। ये पहले मैं यहीं से ही गया था, इस वाले ही रोड से जहाँ से अभी जा रहा हूँ, और आगे जाके एक रास्ता तोश के लिए मुड़ जाएगा लेफ्ट साइड, एक रास्ता राइट में खीर गंगा के लिए चल जाएगा,
और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है, एक बार देख लो। तो ये रोड देख लिया आपने, एक रोड जा रहा है तूश के लिए जो कि ऊपर वाला है, और राइट साइड में है खीरगंगा के लिए। तो हमने खीरगंगा का ट्रैक करना है तो हम लोग नीचे वाले रोड पे टर्न हो गए। तो आगे से एक बार देख लो, कुछ ऐसा है। एक चीज़ और, अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो कोशिश करो आपके पास कम से कम सामान हो। क्यों? क्योंकि ट्रैक करते हुए बेसिकली थकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो पहली बार ट्रैक कर रहा है या छोटे ट्रैक्स किए हैं, ज़्यादा बड़े ट्रैक्स नहीं किए, ज़्यादा बड़ा ट्रैक तो ये भी नहीं है बट ठीक है, तो ट्राई करो कि अपने साथ खाने पीने का सामान लेके चलो थोड़ा बहुत, और कपड़े ज़्यादा मत लेके चलो। मैंने स्लीपिंग बैग रखा हुआ है, ये बहुत लाइट है इसलिए मैंने इसको पकड़ा हुआ है, बाकी मेरे पास बैग है, इसके अलावा और कोई चीज़ें नहीं है। तो चलो चलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मैं बहुत कंटेंट आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊँ हर बार, तो आपका सपोर्ट बहुत रिक्वायर्ड है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वीडियो को देख के लाइक शेयर करो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। पूरी डिटेल में दिखाऊंगा वीडियो, स्टे करेंगे खीरगंगा में तो वहाँ का पूरा क्या होने वाला है सब कुछ दिखाऊंगा। थोड़ी विंड की नॉइज़ आ सकती है, ठीक है, एडजस्ट कर लेना थोड़ा बहुत, बाकी चलो आगे चलते हैं अभी। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशियां, न कहीं है जमीन न कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियां पत्तियां कह रही हैं कि बस एक तुम हो यहां, सिर्फ मैं हूं, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें, ऐसी गहराइयां ऐसी तन्हाइयां। एक चीज और कि ये ट्रैक मैं फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा, इससे पहले भी मैं एक बार ये ट्रैक कर चुका हूं अपने छोटे कजन के साथ। तो उस टाइम पे हम लोग सेम डे पे ऊपर खीरगंगा जाके सेम डे में ही वापस आ गए थे, तो हमने तकरीबन 6 आवर्स में ट्रैक कंप्लीट कर दिया था आना और जाना, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग निकले थे तकरीबन 7 बजे और शाम को हम लोग 4 बजे तक, हाँ 3 या 4 बजे तक हम लोग रिटर्न आ गए थे। तो ट्राई करो कि थोड़ा जल्दी निकलो, ठीक है, अगर आपने स्टे भी करना है ऊपर तो जल्दी निकलोगे तो जल्दी पहुंचोगे, जल्दी पहुंचोगे तो वहां पे आपको ऑप्शंस अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। इस बार हम थोड़े से लेट हैं पर कोई दिक्कत नहीं है, हमने स्टे करना है वहां पे तो आराम आराम से चलेंगे तो आराम आराम से पहुंच ही जाएंगे। आवाज़ की बाहों में बाहें डाल के इठलाए वो, लेकिन जो ये एक बात है, एहसास ही एहसास है, खुशबू सी है जैसे हवा में तैरती खुशबू, जो बे आवाज है, जिसका पता तुमको भी है। तो तकरीबन हमने 20% ट्रैक कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे 2 मिनट के लिए रुके थे क्योंकि खड़ी चढ़ाई है नीचे से ऊपर के लिए थोड़ा, तो चलो अब आगे चलते हैं।
जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा, आग तेरी बेकार ही नम है हर पल। अब जो लोकेशन आई है, मतलब जिस लोकेशन पे अब हम पहुंचे हैं, वहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं है, टोटली बर्फ़ ही बर्फ़ है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा नज़ारा है यहाँ से। तकरीबन 40% ट्रैक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और अब ठंड बढ़ने लगी है। तो अगर आप आ रहे हो तो मोटे कपड़े लेके आओ यार, ट्रैक करते टाइम आपको इतना ठंड मतलब फील नहीं होगी, बट जब आप रुक जाओगे ना तो 5 मिनट ही मैक्स, 5 मिनट बाद आपको ठंड लगनी स्टार्ट हो जाएगी। देखो एक बार आगे का व्यू। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखें ये निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। बस यहाँ बैठेंगे, यहाँ पे है मोती, मोती ये देखो हमारे पास आके बैठ गया। ओए ओए इधर देख, इधर देख, ये गद्दी कुत्ते हैं। ये जो कुत्ते देख रहे हो ना आप, ये यहाँ की लोकल ब्रीड है गद्दी, इनको ठंडी नहीं लगती। और देखो कैसे बैठा हुआ है मेरे पास, एक ही नहीं है यहाँ पे, 7-8 है, दिखाता हूँ सारे। ये देखो, ये देखो एक, वो देखो, ये देखो, पकड़ पकड़ बंदर, आगे पकड़ो उनको, ये देखो कितना डेंजर है। मोती चल चल आगे, चलो 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 चलो। और यार अगर आप ये ट्रैक कर रहे हो जिस टाइम पे स्नोफॉल होता है यहाँ पे, अगर आप उस टाइम पे ट्रैक कर रहे हो तो बहुत ध्यान से करना, क्योंकि बर्फ बिना पैर बहुत जल्दी स्किड करता है। और अपने साथ पीछे काफ़ी भाई लोग आ रहे हैं, मैं इस ट्रैक को पहले भी कर चुका हूँ तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इस ट्रैक का, बट स्नो में मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है। बट कोई नहीं, आराम आराम से जाएंगे। और आगे का रास्ता मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, देखो। और ये हमारी हेल्प करने आया, देखो मोती, हेलो, चलो
आ जाओ आ जाओ। और भैया देखो कितना पानी और वेट लेके जा रहे हैं। और ये हमारे साथ हमें रास्ता दिखाने के लिए, चलो हो तुम, चलो 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 आ जाओ। वीडियो पूरी देखना, बहुत मज़ा आने वाला है आगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, ठीक है, पूरा डिटेल में दिखाऊंगा। जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा, आग तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है। क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है। ट्रैक बहुत ज्यादा स्लिपरी है, इसलिए हमें बहुत संभल के चलना पड़ रहा है। और तकरीबन 10 से 12 लोग हैं हम लोग, तो देखते हैं। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहे। अभी हम लोग दूसरे स्टॉप पे पहुंच चुके हैं, जहां पे आप लोग ब्रेक ले सकते हो। खीरगंगा का सेकंड पॉइंट बोल सकते हो आप इसको, मतलब ये एक जगह है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे छोटे छोटे कैफेज हैं, चाय कॉफ़ी स्नैक्स अगर आपने कुछ भी लेना है तो आप ले सकते हो। एक बार दिखा देता हूँ आपको, देख लो, बहुत सुंदर व्यू है। आ जाओ, मज़ा आ गया यार। सीरियसली इस टाइम पे ट्रैक करने का जो मज़ा है ना, बट बहुत ध्यान से, क्योंकि मैंने अभी अपने सामने 4-5 लोगों को गिरते हुए देखा है और मैं उनके साथ साथ ही चल रहा था कि चलो उनके साथ साथ ही रहूं। सिर्फ मैं हूँ, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें,
ऐसी गहराइयां, ऐसी तन्हाइयां, और मैं, सिर्फ मैं। 80% हम लोग कर चुके हैं ट्रैक, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हुई है। देखो आप मेरे बैक साइड पे पूरे पेड़ गिरे हुए हैं, और एक बार यहाँ से व्यू भी देख लो, बहुत अच्छा व्यू है। एक बात होंठों तक है जो आई नहीं, बस आंखों से है झांकती। तुमसे कभी, मुझसे कभी कुछ लफ्ज है वो मांगती, जिनको पहन के होंठों तक आ जाए वो, आवाज की बाहों में बाहें डाल के इठलाए वो। लेकिन जो ये एक बात है, एहसास ही एहसास है। 6 बज चुके हैं शाम के, और अंधेरा हो चुका है। पता नहीं वीडियो कैसी आ रही होगी अंधेरे में, प्रॉपरली क्लियर नहीं आ रही होगी शायद, पर अब हम लोग ऊपर पहुंच ही गए हैं। मतलब तो यहाँ से हार्डली 15 मिनट्स और लगेंगे। तो अगर मैं ऊपर जाके आपको ना दिखा पाया अभी, तो मैं सुबह वहाँ का पूरा जो भी रहने वाला है व्यू, वहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग है वो भी दिखाऊंगा अच्छे से, उसमें हम प्रॉपर नहाएंगे। अगर अभी ओपन हुआ तो अभी नहाएंगे, बट मैं आपको दिखाऊंगा स्पेशली सुबह की कैसी जगह है। तो वीडियो ख़त्म नहीं हो रही, वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है? हाँ, तो यार हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। मैंने थोड़ा सा शाम को आपको इसलिए दिखा दिया कि किस तरह का दिखता है व्यू, सुबह पूरा अच्छे से दिखाऊंगा। बहुत सुंदर जगह है, अभी प्रॉपर तरीके से आपको नहीं दिखेगा, इसलिए मैं सुबह प्रॉपर एक बार दिखाऊंगा। तो फाइनली हम लोग, टाइम अभी हो रहा है 6:20, और अब हम लोग यहाँ पे टेंट वेंट या कोई भी चीज़, मतलब टेंट ही लेंगे भाई, यहाँ पे टेंट से मिलेंगे। तो टेंट लेके उसके बाद सामान वामान रखेंगे वहाँ पे, और मैं उसके बाद आपसे मिलता हूँ। टेंट हम लोगों ने ले लिया है बहुत मुश्किल से, मतलब मुश्किल से तो नहीं, 2-3 जगह ट्राई करके तब जाके कहीं टेंट मिला। और ये टेंट वैसे तो ये लोग 4 बंदों को देते हैं, बट हमने 3 नहीं ले लिया। मैं तो ठीक है, टेंट गद्दे वगैरह ठीक हैं, कंबल्स वगैरह भी ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। तो कॉस्ट ज़्यादा है, 2,000 रुपये, मतलब 3 बंदों के लिए, तो एक टेंट की। तो ट्राई करो कि अपने टेंट लेके आओ या सब कुछ, ठीक है? बाकी वेट अगर कैरी कर सकते हो तो अपने टेंट ला सकते हो, ठीक है? और इसके बाद डिनर करेंगे, डिनर करने के बाद सो जाएंगे, और मैं सुबह यहाँ से आपको प्रॉपर दिखाऊँगा व्यू, ठीक है? तो डिनर अपना आ चुका है, तो डिनर हम लोगों ने फाइनली कर लिया है, बिस्तर लग चुके हैं। टाइम अभी हो रहा है 8:20, तो चॉकलेट खाते हैं और उसके बाद सोते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अब इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है ब्लॉग। नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा उसमें आपको यहाँ का पूरा जो है व्यू, मॉर्निंग से क्या है, कैसा, मतलब कैसा है, सब कुछ दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से। तो हॉट वाटर स्प्रिंग में सुबह जाएंगे, और सुबह यहाँ से आपको टेंट के बाहर का व्यू पूरे अच्छे से दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड नाइट, बाय। तो यार बर्फ में क्या क्या करना पड़ रहा है। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा